सर ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट वहाँ खेली जाती है तो वो मशहूर है अपने पिच के बाउंस की वजह से, और ड्रॉप इन पिच पे भी वो एलिमेंट नजर आता है। जब भी हम वहाँ मैच लास्ट टाइम जब टेस्ट मैच खेला गया था, और साथ में जो एक ट्रेडिशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, वो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत सूटेबल है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो ड्रॉप इन पिच है, भले वो ड्रॉप इन पिच है, लेकिन वहाँ बाउंस का एलिमेंट जरूर से अच्छा मिलेगा। प्लेयर्स को तैयारी के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाउंस मिलेगा तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बाउंस द बॉलर्स। अच्छा ये बताइए अश्विन साहब, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम बड़ी जबरदस्त है, पैट कमिंस टेस्ट टीम की कयादत कर रहे हैं, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो टेस्ट सीरीज 1-0 जीत के गई थी, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया? अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान तो नहीं किया, 14 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच है पर्थ में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस ने साबित कर दिया कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग बिसाइड माइटी इंडिया, जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, और उनको उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से जो डिफीट दी है उसका एक इंपैक्ट जो है उनके हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एक मुझे खुशाइन है, और पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट टीम के अगेंस्ट खेलने को मिलेगा। तो इट विल बी ए गुड टेस्टिंग टाइम फॉर आवर यंग क्रिकेटर्स हु आर कमिंग, मे बी सेकेंड ट्रिप है उनका, और बहुत सारे लोग प्लेयर्स का फर्स्ट ट्रिप है। तो आई वुड से कि इट विल बी ए गुड चैलेंज फॉर आवर न्यू प्लेयर्स हु आर अराइविंग हियर नेक्स्ट वीक। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थे वो उस्मान ख्वाजा, वो तो डेफिनेटली रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, वो तो ऑस्ट्रेलियन हो गए, लेकिन वो यहाँ से इस्लामाबाद में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए उनके फादर, और उसके अलावा एक और लेग स्पिनर थे जिन्होंने असाइलम ली थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया है, फवाद अहमद, वो भी ऑस्ट्रेलिया से खेले। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में और आ रहे हैं कोई पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स, या यही दो हैं अभी? पाकिस्तानी यंग जो यहाँ पे जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक है, और एक बच्चे को तो मैं बहुत ही पर्सनली क्लोज से जानता हूँ जिनके फादर उन पे काफ़ी टाइम और मेहनत कर रहे हैं, और वो बच्चा जो है अहमद नाम है उसका, अहमद रजा, और वो रजा साहब के साहबजादे हैं जो मेलबर्न में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना, बिल्कुल। अच्छा, तो ही इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, और अभी उनको स्कॉलरशिप ऑफर हुई है जो कि स्पोर्टिंग स्कॉलरशिप है, उनको स्कूल उनका एजुकेशन है, दैट्स अ वेरी हाई कॉस्टली कॉलेज जहाँ पे उनको सब कुछ स्कॉलरशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट एबिलिटी जो वो उनका शौक है उसकी वजह से, और उनको एक्सपोजर भी जो हाई लेवल के कोचेज है मेलबर्न में, उनको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल है ना, इन फ्यूचर। अच्छा ये बताइए, और ऑस्ट्रेलियन, जी जी बोलिए, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो है उनका गोल है जो कि बहुत बड़ा गोल है, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बल्कि ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन करना, दैट्स हिज गोल, सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच सीरियस दिस यंग प्लेयर इज। ठीक है, अच्छा एक दो सवाल और पूछूंगा फिर कमर अहमद साहब की तरफ जाऊंगा। आप ये बताइए कि इरफान हाशमी साहब के जोश व खरोश है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से 1964 से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, और अब तक जो 12 टेस्ट सीरीज हुई है पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीता, और पाकिस्तान सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीता है, 76 का टेस्ट मैच था, फिर 79 का टेस्ट मैच था, फिर 81-82 का था, फिर 81-82 का नहीं था, 2000 का था, फिर 95 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता। तो इंटरेस्ट है लोगों का, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आप समझते हैं कि लोग देखने जाएंगे इस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि 60-61 हज़ार तमाशाई गुंजाइश है ऑप्टस स्टेडियम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा स्टेडियम है, और देखिए जहाँ तक बात है फॉलो करने की, क्रिकेट जो क्रिकेट को रियल फॉलो करते हैं वो जरूर जाएंगे मैच देखने, और जिनको पाकिस्तानी टीम से लगाव है वो सपोर्ट के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जो है वो काम मतलब जॉब करते हैं और अपने स्टूडेंट्स की जो उनकी लाइफ है तो वो शायद ना जा पाए, लेकिन जो यहाँ काफी पहले से है आई नो के यहाँ पे जो एक स्क्वाड पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है यहाँ पे,
जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसमें मेंबर्स हैं, तो वहाँ भी काफी जोश व खरोश है कि पाकिस्तानी टीम आ रही है। और यहाँ पे आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज को प्रमोट करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उर्दू के अंदर अपना वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो दे आर ट्राइंग अवर द बेस्ट कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एंगेज करें और यहाँ पे जो न्यूज है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को पहुंचाई जाए और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां मैच देखने के लिए आएगी। ऑस्ट्रेलियन तो जरूर जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लव द क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन कल्चर है सफर के अंदर। तो अब मेलबर्न में जब मैच होगा तो आप देखिएगा ग्राउंड काफी बॉक्सिंग डे पे होगा 26 दिसंबर को। अच्छा आखिरी बस आप मुझे इतना बता दें कि कितनी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं? चैलेंजिंग क्वेश्चन, मुझे अपनी स्टेट के बारे में पता है कि जहां मैं रहता हूं इस स्टेट में तकरीबन यहां पे 12,000 के लगभग पाकिस्तानी मौजूद हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साउथ ऑस्ट्रेलिया टोटल पॉपुलेशन का, जी जी साउथ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक ओवरऑल जो मुझे एक रफ सा एस्टिमेट है वो के तकरीबन कोई 60,000 के करीब पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया में मकीम है डिफरेंट डिफरेंट शहरों। चले बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपको हम गाये बगाये टेलीफोन कॉल पर लेते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको वीडियो लिंक पर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिलेड से हमें ज्वाइन किया था इरफान हाशमी साहब ने, जो क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट के मैचेस भी देखने जाते हैं और वहां पर प्रोग्राम्स भी करते हैं। इस पर हम कमर अहमद से मजीद ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद के साथ दोबारा आपको शो में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद, जिनकी उम्र गुजर गई इस दश्त की सयाही में, इनसे हम बात करते हैं। भाई अगर हम दोनों टीमों का कंपेरिजन करें, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने शान मसूद को कप्तानी का जो है वो ताज पहनाया है, ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की इस 18 रुकनी टीम के हवाले से? देखिए पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ा जो फ्लॉ और फॉल्ट है वो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे कोई भी टीम हो। सही, ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से, ये काफ़ी अरसे से जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है 50 से 52 से। तो क्योंकि एक तो लाइक्स और डिसलाइक्स में सिलेक्शन होते हैं, फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड चेंज हो जाता है। सही, तो जो गवर्नेंस होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन टीम की वो भी नहीं है। फिर वो अपनी मर्जी के सिलेक्शन कमेटी के वो ठप्पा लगाने वाले खिलाड़ियों को बना देते हैं कि आप सिलेक्टर हैं, उनकी सुनता कोई नहीं है। टू टेल यू द ट्रुथ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए खिलाड़ी 50s के अंदर और बाद में एज ए जर्नलिस्ट। तो ये बड़ा सानहा है पाकिस्तान की क्रिकेट की ट्रेजडी है कि पुअर गवर्नेंस, इनकंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ इट, वजूहत जो इसकी पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिक्स सियासत की वजह से। और फिर कप्तान डिपेंड करता है कि कौन है, वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पे टीम बनाते हैं। आपको याद है ना एक दफे टीम सेलेक्टर्स सो कॉल्ड सेलेक्ट की और वो जो वन ऑफ द ऑफिशियल्स थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने टीम बदल दी अपने पसंद के खिलाड़ियों को कर दिया। तो ये जब ये वहाँ पर सिस्टम सेट इन नहीं होता है और ये पता नहीं कि कल चेयरमैन कौन होगा और अगली सीरीज में कैप्टन कौन होगा और ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, या नहीं पता, ये कुछ नहीं पता होता। कैन यू इमेजिन दिस?